पीयूष रंजन, न्यू स्टूडेंट। पीयूष कहाँ से हो? कैन यू ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ? कहाँ से हो पीयूष? कौन सा सब्जेक्ट से? तुम्हारा मास्टर्स है? आई एम फ्रॉम बिहार। ओके फाइन। बिहार से भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? बिहार तो इतना बड़ा जगह है। मास्टर्स किस सब्जेक्ट से किए हो? विच सब्जेक्ट मास्टर्स? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में? बिहार का लड़का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जाके कंप्लीट किया है मास्टर्स? इतना दूर जाके क्यों? सीयूएसबी नहीं मिला था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार नहीं मिला था तुमको? काफी ज्यादा दूर चले गए। है ना? खैर काफी ज्यादा दूर हो, इतना दूर जाके नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ज्योति, प्रियंका, खाली क्लास ही अटेंड करोगे या अपने कुछ नोट्स भी दिखाओगे? कृष्णा, नोट्स बना भी रहे हो? ओके जम्मू, कोई फायदा मिला जम्मू जाके? कोई खास फायदा मिला जम्मू जाके? अच्छा, करेक्ट। वहां पे फील्ड ट्रिप वगैरह अच्छी होती है? जम्मू जैसे यूनिवर्सिटीज में फील्ड ट्रिप वगैरह बहुत बढ़िया होता है। टीचर्स तो हैं ही अच्छे, जानता हूँ एक दो टीचर्स को, अच्छे हैं वहां पे। करेक्ट। खैर फ्रेश एयर। भाई कृष्णा, तुम दुनिया के ना सबसे उल्टे पुल्टे बातें में घुस जाते हो। मैंने तुमको क्या पूछा? तुम नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, उसका उत्तर नहीं देना है तुमको। तुमको किसी और के बताए पूछे हुए उत्तर को तुमको देना है। फ्रेश एयर है ना? तुमको मैंने क्या पूछा? क्या तुमने अभी तक नोट्स बनाए हैं कृष्णा? अभी तक तुमने एनवायरमेंटल साइंसेस के नोट्स बनाए या नहीं बनाए? हाँ या ना? कब सेंड कर रहे हो? कब दिखा रहे हो? बना रहे नहीं प्रियंका, अगर बना रहे हो तो सेंड करो। टेलीग्राम ग्रुप में प्रियंका है? नहीं है भाई। क्या मतलब है, तुम क्यों नहीं हो टेलीग्राम ग्रुप में? टेलीग्राम ग्रुप में पीयूष है? नहीं है, सिर्फ शिवाली और कृष्णा है और कोई है ही नहीं। अरे अगर बना रहे हो तो दिखाओ ना यार, कि क्या बना रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। कैसे तुम लोग को एनलाइटमेंट में ले आए कि नहीं ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा? जब तो पढ़ोगे ही नहीं, कैसे लेके आए बताओ उसके लिए ना जी।
कल सेंड करते हैं भाई। तुम टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लो, कल सेंड करने की बाद में बात है। खैर आज का लेसन शुरू करते हैं। आईसीपी नाम पहली बार सुना होगा, आई थिंक उसने तो सुना ही होगा। पीयूष, क्या पीयूष ये नाम सुने हो? आईसीपी, नाम सुने हो या नहीं सुने हो भाई? क्या जी नाम सुने हो? पीयूष जी, इन्वायरमेंटल साइंस से एमएससी की हो ना, बताओ आईसीपी का नाम सुना है? कृष्णा, ज्योति, कोई तो बताएगा। क्या तुम में से किसी ने आईसीपी का नाम सुना है? तो व्हाट इज आईसीपी, फुल फॉर्म क्या है, क्या जानते हो उसके बारे में, क्या फुल फॉर्म है? कृष्णा ने नहीं सुना है। हाँ, लास्ट ईयर ही पढ़ाया था, नोट्स वोट्स बनाओगे तब देखोगे ना। चलो पीयूष बताओ, आईसीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताओ बताओ बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईसीपी? इट्स ए प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी सर। प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है। आईसीपी जो, आईसी जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है? टी तुम बोला कि इट इज ए प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमने तीनों पढ़ रखा है। बट इसके अलावा हमने प्लस टू में एक और चीज पढ़ी थी, एक फोर्थ स्टेट भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, एंड एक फिफ्थ स्टेट भी होता है जिसको हम बोलते हैं बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। है ना, पांच स्टेट ऑफ मैटर ऑलरेडी मौजूद हैं किसमें? हमारे चारों तरफ पांच स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, ये पांच क्या है? हमारे अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, अब इसने बोला कि सर इसका जो वर्ड है ये होता है इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा। बट ये ऐसा क्यों है? मतलब ये ऐसा क्यों है?
बता सकते हो? तुम में से कोई भी इसका मीनिंग बता सकता है क्या? कैन एनी वन टेल? मैं मैसेज देख रहा हूं तुम लोगों का। कैन एनी वन टेल कि वाई इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा? क्यों बोलते हैं इसको इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा? कौन बता सकता है? पता नहीं है तो जल्दी जल्दी बोला करो। नो सर, नो सर, नो सर, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। जल्दी जल्दी बोला करो यार। कृष्णा, प्रियंका, ज्योति वेट करा रहे हो। पीयूष पता है? गैस भी लगा सकते हो पीयूष? इन दोनों ने तो हार मान ली, नो सर बोल दिया। नो सर, तुम भी बोल दिया नो सर। ठीक है, देखो शुरू होता है ना सब तुम्हारा वहीं से। प्लस टू, ट्वेल्थ जिसने अच्छे से पढ़ा उसको ये चीजें पता होगी। पहली बात, एक वर्ड यूज किया इंडक्टिव, मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड हो रहा होगा, इंड्यूस्ड। ठीक है, अब इंड्यूस्ड जो पढ़े हैं हम कहां पढ़े हैं? हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। करेक्ट, हम ये पढ़े हैं, है ना जी? हम ये पढ़े हैं या नहीं है? पढ़े हैं ना? याद तो होगा तुमको, ये पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या था? भाई ये तो बताओ, ये तो बता दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ना कुछ पता होना चाहिए तुम लोगों को। ये नहीं कि बेवकूफे की तरह बैठे रहे कि नहीं कुछ पता ही नहीं है, कि नहीं कुछ पता ही नहीं है, बस बैठे हैं। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? अरे पता है, अगर नहीं पता है तो नो 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 लगाते जाओ, इंतजार मत कराओ यार, या तो गूगलिंग मत करो, दोनों में से कोई काम मत करो। पता है तो बताओ, नहीं पता है नो सर, सिंपल। वो हमेशा यही चीज दोहराना पड़ता है, यही दिक्कत है। नो, कृष्णा बोल दिया नो। क्या ज्योति, प्रियंका, पता है या नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो फिर क्या मीनिंग है? तुम यूजी नेट पढ़ रहे हो, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो। आप पढ़ाइए, फिर अगले बार पूछिएगा तो हम लोग बताएंगे। तो नो बोल दिया करो ना सर, नहीं पता है। अरे तुम नो बोल दोगे तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा, नो बोल दिया करो। ये मैं समझ रहा हूं, बट नो बोल देने से कोई पहाड़ टूट ही टूट जाएगा। मेरे को समझ में आएगा कि नहीं, तुम लोगों को पता नहीं है, मैं बताऊंगा। सिंपल है, दो वर्ड नो लिखना से अच्छा है कि तुम इतना बड़ा चौड़ा लेक्चर झाड़ोगे, इससे अच्छा तुम बड़ा चौड़ा लेक्चर झाड़ रहे हो ना, नो लिख दोगे तो मेरे को तो तुरंत पता चल जाएगा। सर टाइम बहुत लॉस हो जाता है। तुम यहाँ पे लिख रहे हो कि सर आप पढ़ाइए, फिर अगले बार पूछेगा तो हम बताएंगे। इतना इतना लिखने की क्या जरूरत है? दो वर्ड लिखोगे नो तो मैं तुरंत बता दूंगा ना। मैं अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ
तो तुम उसका तुमको तुम्हारा फर्ज क्या है कि उसका उत्तर देना, अगर नहीं पता है तो नो बोलोगे। अब मैं तुम्हारा इंतजार थोड़ी करूंगा कि नहीं मैं 10 मिनट बाद मैं तुमको समझाऊं उस चीज को, मेरे को तो ये लगेगा नहीं तुमको पता है। अब मेरे को ऑटोमेटिक थोड़ी मैंने टाइमर सेट कर रखा है कि 1 मिनट बाद तुम नहीं बताओगे तुम्हें आंसर बताऊंगा, ये भी तो दिक्कत है। मैं तो समझाने के लिए बैठा हूं ना, मैं कहां मना कर रहा हूं मैं नहीं समझाऊंगा, बट यही है कि तुम लोग रेस्पॉन्ड करना जरूरी है ना, कि नहीं सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो रेस्पॉन्ड हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी नो सर बोलोगे तो मेरे लिए बेनिफिट है वो समझाना, करेक्ट। चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस टू में पढ़े हैं, ऑब्वियसली जो बायो बैकग्राउंड वाले हैं वो थोड़ा याद नहीं रख पाते, तो होता क्या है देखो, एक मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट होता है साउथ पोल का, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसके बीच में क्या होता है एक कॉयल होता है, ठीक है, ये कॉयल जो होता है ये शाफ्ट, एक शाफ्ट लगा होता है जो उसको क्या करता है रोटेट कराता है, ठीक है, रोटेट कराता है, दो मैग्नेट के बीच में एक शाफ्ट लगा होता है, वो शाफ्ट उस कॉयल को रोटेट कराता है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इफ एक कॉयल, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टिंग कॉयल व्हेन रोटेट बिटवीन टू मैग्नेट्स इट इंड्यूजेस करंट। घर में इंडक्शन कुकर है, मैं यही बताया नहीं तुमको, इन्वायरमेंट में ही है तुम्हारे, जिसके घर में इंडक्शन कुकर है उसको ये चीज पता होना चाहिए, ये करंट कैसे पैदा होता है, करंट जब दो मैग्नेट के बीच में एक कॉयल जो है बहुत तेजी से रोटेट करता है तो उस कॉयल में क्या होता है एनर्जी इंड्यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूज होता है, एक तो कॉयल मूव करे तो होगा या तो मैग्नेट मूव करे तो होगा। अब तुम हाइड्रो पावर की जब बात करते हो, हाइड्रो पावर या तुम कोल की बात करते हो, कोल बेस्ड, अरे सब में हो क्या रहा है, सब में यही तो हो रहा है कि हाइड्रो पावर से टरबाइन क्या कर रहा है इस शाफ्ट को घुमा रहा है, कोल बेस्ड में क्या हो रहा है स्टीम जला के इस शाफ्ट को घुमा रहे हो, दोनों ही प्रोसेस में तुम शाफ्ट को घुमा रहे हो जिसके वजह से तुम्हारी एनर्जी इंड्यूज हो रही है। तो क्योंकि इसका नाम है इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा तो इसमें भी जो एनर्जी इंड्यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से हो रहा है, तो ये जो एनर्जी पैदा होती है यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से पैदा होती है, इस वजह से इसका नाम है इंड्यूस्ड कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा नाम वहीं से आया है, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें सैंपल जो होता है वो स्प्रे होता है इनटू ए फ्लेम, इट कन्वर्ट टू ड्रॉपलेट्स, पहले सैंपल क्या होता है स्प्रे होता है, फ्लेम में कन्वर्ट होता है, देन इट कन्वर्ट्स टू ड्रॉपलेट्स, ठीक है, आग जला दिए तुम। अब देखो इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा होने की वजह से क्या बेनिफिट है, बात आती है अगर इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा हुआ तो क्या बेनिफिट मिला, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा हुआ तो क्या बेनिफिट मिला, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा हुआ तो इसको ये बेनिफिट मिला कि तुम्हारा फ्लेम जो है खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम उसमें क्या पास कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो, सिंपल सी बात है ना, जो फ्लेम है वो तो करंट पास कर रहे हो, करंट की वजह से पैदा हो रहा है, तो जो फ्लेम है वो खत्म होगा ही नहीं, एनर्जी जो है वो खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, जब घर का जल बिजली जल रहा है तो यहाँ पे भी जलता रहेगा, है ना, लेकिन फ्लेम फोटोमेट्री
जो दूसरे टाइप के फोटोमेट्री इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होता है, गैस जलता है। इसमें ऑल दो गैस जलता है, बट जो फ्लेम जो एनर्जी लेता है वो फ्लेम वाली एनर्जी तुम्हारी गैस से नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है। तो सैंपल को तुमने स्प्रे किया, ठीक है, सैंपल को स्प्रे कैसे किया, उसको स्प्रे जैसे होता है ना, जैसे कि तुम सेंट पेपर स्प्रे मारता है, लड़कियां क्या करती, पेपर स्प्रे रखती है अपने हाथ में, पेपर स्प्रे से पर 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 करके स्प्रे कर देती है। तो हवा में जब स्प्रे करते हो तो क्या बनता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ये उसी फ्लेम की बात कर रहा है, इसमें क्या फ्लेम बन रहा है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से फ्लेम बन रहा है जो कि तुम्हारा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम द सॉल्वेंट इन द ड्रॉपलेट इवेपोरेट। जो सॉल्वेंट तुम्हारा मौजूद है वो एवेपोरेट हो जाता है, तुरंत ही एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, लीविंग बिहाइंड द फाइन रेसिड्यू व्हिच आर कन्वर्टेड टू न्यूट्रल एटम्स, ठीक है, एंड दीज न्यूट्रल एटम्स आर गेट एनर्जी फ्रॉम द थर्मल एनर्जी एंड गो एक्साइटेड स्टेट, बट दे आर अनस्टेबल एट द एक्साइटेड स्टेट, सो दे आर रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट विच एमिशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएशन। अब देखो बहुत बड़ी चीजें इसे बता दी, एक तो पहले थर्मल एनर्जी मिला, ठीक है, थर्मल एनर्जी ऑफ फ्लेम जो सॉल्वेंट मौजूद है ड्रॉपलेट में वो एवेपोरेट कर जाता है, ठीक है, लीविंग बिहाइंड द फाइन रेसिड्यू। सॉल्वेंट मतलब समझते हो, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर में अगर तुम्हारा कोई भी आयन्स डिजोल्व है तो आयन बच जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर जाएगा। अब वो जो रेसिड्यू मौजूद है वो एक एटम है, जैसे कि कार्बन हुआ, तुम्हारा सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब क्या है, एक एटम है, एक न्यूट्रल एटम है जो कि रिएक्ट नहीं कर रहे, ये सब डिजोल्व सॉलिड के रूप में मौजूद था। अब वो क्या हुआ, फाइन हो गया है, इसमें पानी नहीं है। तो जैसे ही पानी नहीं है इसको अचानक से हीट मिलता है, थर्मल एनर्जी मिलता है फ्लेम से, वो गर्म होके क्या होता है, वो एक्साइट कर जाता है, एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट में। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है तो क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है अपना रेडिएशन को, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जिससे कि हम क्या पता कर सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मौजूद है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि इसके बेसिस में ना इंटेंसिटी भी पैदा होता है, मतलब लाइट कितना जोर से आ रहा है, कितना हल्का आ रहा है, ये भी पता चल जाता है। तो इससे क्या पता चल जाता है, कंसंट्रेशन पता चल जाता है, दो चीजें पता चलती है, एक तो कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं तो उससे हमको क्वालिटी एनालिसिस हो जाता है कि किस तरीके की वाटर की क्वालिटी है, और दूसरा क्या है कि क्वांटिटेटिव भी पता चल जाता है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन भी पता चल जाता है इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो दो तरीके से हमको दो चीजें पता चल जाती है, किसमें, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा में पता चल जाता है। तो आज के डेट में सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट यही है, आईसीपी ही है, मेटल का कंसंट्रेशन पता करने के लिए सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट आईसीपी ही है, ठीक है, आईसीपी से ही पता किया जाता है तुम्हारा एलिमेंटल डिटेक्शन जो है, मोस्टली आईसीपी से पता किया जाता है। सिर्फ कैटायन होता है मोस्टली, एनायंस नहीं होते हैं इसमें, एनायंस के लिए तुम्हारा आईसी वगैरह यूज करना होगा, ठीक है, मोस्टली वाटर में तो लिमिटेड ही एनायंस होते हैं, सारे एनायंस नहीं होते हैं, ठीक है, पर स्टील उसको फाइंड करने के लिए एनायंस को आईसीपी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी तक एनायंस के कॉलम्स नहीं आए हैं, कॉलम मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, कैटायन के हैं, एनायंस के नहीं है अभी, ठीक है, आ जाएगा किसी दिन, एनायंस भी आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली तुम मेजर कर पाओगे एनायंस को। वैसे तो मल्टी पैरामीटर सेंसर्स भी होते हैं आज के डेट में, जैसे कि तुम एनायन को भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, बट आईसीपी में सिर्फ मेटल एटम्स वगैरह ही मेजर की जा सकती है। अब क्या होता है इसका जो तरीका, पूरा प्रोसीजर वो तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या होता है, लिक्विड सैंपल, सैंपल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, सॉलिड हो गैस हो, सबको तुमको लिक्विड सैंपल में कन्वर्ट करना होगा। पता है क्या है? ठीक है, दूसरे में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरे में क्या है? फाइंड रेसिड्यू, पूरा अच्छा सा रेसिड्यू बनना चाहिए। फोर्थ में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम। फिफ्थ में क्या है? एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स बाय थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के एक्साइट करके बनाना है। सिक्स्थ में क्या है? एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ का एमिशन रेडिएट करता है कौन? हर एक एलिमेंट अपना एक वेवलेंथ रेडिएट करता है, तो उसी अगर रेडिएशन को हम पता कर लें कि नहीं इस रेडिएशन पे इस एलिमेंट को हम पता कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना इंटेंसिटी का कौन सा एलिमेंट रेडिएट कर रहा है, तो उसी से हम इंटेंसिटी से कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। हमको इंटेंसिटी से कंसंट्रेशन का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, और लैम्डा से हमको क्या पता चल जाएगा? एलिमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो जो चीजें यहाँ पे हेल्प करती है तुम्हारा डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, दो चीजें काफी इजी है। क्या फॉर्मूला यूज होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस थिंग? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज होता है? द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज गिवेन बाय, ये फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पहले भी पढ़ा चुका हूं, उसमें क्या पढ़ाया था? E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा होता है, करेक्ट, ये चीज पहले भी पढ़ाया है। E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा तुमको होता है, ये चीज तुमको पढ़ा चुका हूं। तो उसी फॉर्मूले में अगर लैम्बडा निकालना हो तो एस सी अपॉन ई कर लो, करेक्ट। अब तुमको पता है कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसको E1 मान लो ग्राउंड स्टेट का, और एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी जो है उसको E2 मान लो। प्लैंक्स कांस्टेंट H है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इससे तुम क्या पता कर सकते हो? लैम्डा पता कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का अंदर का प्रोसेस तुमको मैं बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वो कैसे डिटेक्ट कर रहा है उसके वेवलेंथ को, वो मैं तुमको बता पा रहा हूं यहां से, समझ रहे हो? ये चीज समझा तुम? अब तुम एक चीज मेरे को बताओ कि जैसे कि मैं बात करता हूं कि एक कोई भी सरफेस है, करेक्ट, वो सरफेस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्व करता है और बाकी कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है, करेक्ट? नहीं, एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है और बाकी कलर को ऑब्जर्व करता है, ये चीज तुमको बहुत अच्छे से पता है ना? तो जब ये चीज तुमको पता है तो उसी तरीके से ये भी समझो ना कि हर एक एलिमेंट भी ऐसा ही है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बाकी सबको ऑब्जर्व करेगा, ये उसकी टेंडेंसी है। तो हर एक एलिमेंट अलग अलग वेवलेंथ में ना अपना सिग्नेचर दिखाते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम वेवलेंथ डिसाइड कर ले कि हाँ ये वेवलेंथ मेरा अंदर में ऐसा है, तो हम एलिमेंट को भी खोज कर सकते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट यहाँ पे मेरा मौजूद है। तो ये प्रोसेस से अंदर चलता है क्या? लामड़ा का खोज, लामड़ा खोज लिया तो इंटेंसिटी पता चल जाएगी, इंटेंसिटी पता चल गई तो तुम्हारा एलिमेंट का कंसंट्रेशन पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये काफी फाइन होता है, पीपीबी लेवल तक, पार्ट्स पर बिलियन तक तुमको अच्छा डाटा निकाल के देता है। कौन? आईसीपी, करेक्ट, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा। ओके, अब क्या होता है कि जो एटम, फ्री एटम होता है जिसको थर्मली एक्साइट किया जाता है,
वो कैसे किया जाता है, उसके लिए ना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन उसके पीछे का कहानी है। क्या होता है कि उसमें एन डैश जो है इज द नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम, एन इज द नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग इन द ग्राउंड स्टेट, ए ई जो है इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स एंड द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के एंड द टेम्परेचर टी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कैसे क्या कर रहा है। यहां पे भी ये प्रोसेस को समझ में जानना जरूरी है कि ये कैसे काम कर रहा है, कौन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम कर रहा है। जरूरी थोड़ी है, जैसे कि तुमको अगर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स और नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग इन द ग्राउंड स्टेट, अगर तुमको ये पता करना है, ये किस काम में आएगा भाई? ये तुम्हारे उस काम में आएगा किसमें, कंसंट्रेशन फाइंड करने में। ठीक है, अगर तुमको इनिशियल एटम्स के बारे में पता है तो एक्साइटेड के बारे में भी पता होगा, एन डैश और एन ये दोनों अगर तुमको पता है तो तुम बाकी चीजें निकाल सकते हो, एनर्जी लेवल निकाल सकते हो, इंटेंसिटी निकाल सकते हो, डिफरेंस इन द एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इस चीज में मदद करता है। यहाँ पे ए ई नहीं है, ये डेल्टा ई है। ओके, तो ये तुम्हारी मदद करता है पता करने में क्या एनर्जी लेवल का डिफरेंस हो। अगर एनर्जी लेवल पता होगी तो डेफिनेटली तुमको उसकी क्या इंटेंसिटी के बारे में पता हो जाएगी। तो वही इंटेंसिटी को पता करने के लिए बोल्ट्जमैन लॉ के यूज होता है। ओके, अब ये तुम्हारा फिगर है पूरा, तुम देख सकते हो। सैंपल यहाँ लगा दिया फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है, फिर सैंपल क्या किया, धीरे धीरे सक किया पानी को, और सैंपल जब सक करेगा तो वो स्प्रे के फॉर्म में जाएगा, तो स्प्रे के फॉर्म में जाएगा तो एरोसोल बन जाएगा। ठीक है, एयर में सॉलिड ड्रॉपलेट्स के रूप में वो बन के जाएगा, एरोसोल बन के जाएगा। ठीक है, एयर को क्या कर रहे हो तुम, कंप्रेसर बना रहे हो एयर को ना, बहुत ज्यादा एयर को प्रेशर दे रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, फ्यूएल भी दे रहे हो। फ्यूएल मतलब आर्गन, आर्गन गैस यूज होता है, आर्गन गैस को भी छोड़ रहे हो। ठीक है, आर्गन क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि वो तुम्हारा इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए आर्गन को यूज किया जाता है। आर्गन का फ्लेम यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ से सैंपल को मिस्ट के फॉर्म में छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे कुछ मिरर लगे हुए हैं, ये मिरर क्या करते हैं, ये लाइट को स्प्रेड होने नहीं देते हैं, ये यहीं पे इसको कंसंट्रेट करके रखते हैं। तो कंसंट्रेट करके रखेंगे तो ये जो मिस्ट है यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, गर्म होने की वजह से एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाके जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा लाइट लेंस में जाएगा, लेंस से क्या होगा तुम्हारा, लेंस में जाके तुम्हारा यहाँ पे मर्ज करेगा। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जाके मर्ज करेगा, फिर यहाँ से स्लिट से पास होके ये क्या करेगा, फिल्टर होगा। अब फिल्टर जब होता है तब ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो जाता है, फिर फोटो डिटेक्टर में डिटेक्ट होता है और तुमको फिर बता के देता है क्या, फोटो डिटेक्टर में डिटेक्ट होके तुमको बता के देता है कि हाँ ये एलिमेंट ये है। ठीक है, फिर यहां से ये ड्रेन आउट हो जाता है फाइनली, जो बाकी के जो सब्सटेंस होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। करेक्ट, तो ये तो तुम्हारा पूरा फ्लो चार्ट तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे क्या काम कर रहा है ना। दिस फ्लो चार्ट यू आर एबल टू सी, किसमें, इसमें ऐसे काम कर रहा है, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। अब बात आता है कि आईसीपी में किस किस तरीके के फ्यूल यूज हो सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रोपेन यूज हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा आर्गन ही यूज हो, कुछ और भी गैसेस यूज हो सकते हैं। तो प्रोपेन जो है उसके लिए एयर का टेम्परेचर जो है, एयर कंप्रेसर जो तुम डाल रहे हो, वो एयर 2100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए, ऑक्सीजन भी 2800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन डाल रहे हो तो हाइड्रोजन में थोड़ा कम टेम्परेचर, 1900 डिग्री, 2800। एस्टलिन डाल रहे हो तो 2200 एंड 3000 टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल होगा। अगर ये रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होगा फ्यूल के लिए तो वो काम ही नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो
ये तीन तरीके के फ्यूल यूज होते हैं तुम्हारे आईसीपी में, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा में, ये तीन तरीके के फ्यूल यूज होते हैं, समझ में। तो ये तो तुम्हारा टॉपिक आईसीपी यहाँ पे खत्म हुआ, इसमें कुछ बड़ा कहानी उतना था नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तुम्हारा, HPLC। व्हाट इज HPLC? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इट्स कॉल्ड एज HPLC, ठीक है। तो HPLC क्या हो रहा है? HPLC इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट द कंपाउंड्स दैट आर डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। पहली बात तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, मतलब सिंपल सी बात है, मोबाइल फेज इसमें लिक्विड ही होगा, मोबाइल फेज जिसके ऊपर क्या तुम्हारा सैंपल बैठ के जाता है, ठीक है। तो HPLC इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए रिजर्वायर ऑफ मोबाइल फेज, जैसे मैंने बताया मोबाइल फेज होना जरूरी है लिक्विड फॉर्म में। एक पंप होता है, इंजेक्टर होता है जिसे सैंपल इंजेक्ट करते हो, एक सेपरेशन कॉलम भी मौजूद होता है इसमें जिसे कि तुम सेपरेट करते हो, और एक डिटेक्टर भी होता है। एक मिनट देना। ओके हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि इसमें कौन-कौन से चीजें होती हैं वो चीज हमको पता होना चाहिए। पहले तो रिजर्वायर में मोबाइल फेज है, पंप है, इंजेक्टर है, सेपरेशन कॉलम है एंड डिटेक्टर है। ये सारी चीजें किसमें मौजूद है? HPLC में मौजूद है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें हो क्या रहा है? कंपाउंड को तुमने सेपरेट किया बाई इंजेक्टिंग ए सैंपल मिक्सचर ऑन टू दी कॉलम, कॉलम में सैंपल मिक्सचर डाल दिया। फिर क्या होता है? द डिफरेंट कंपोनेंट इन द मिक्सचर पासेस थ्रू द कॉलम एट डिफरेंशिएट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर पार्टीशन बिहेवियर बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। फिर वही कहानी है, पहले भी पढ़ाया था, कुछ चीज को प्यार होता है मोबाइल फेज से, कुछ चीजों को प्यार होता है स्टेशनरी फेज से। तो जिसको मोबाइल फेज से प्यार होता है वो मोबाइल फेज के साथ आगे आगे बह जाता है, स्टेशनरी फेज से जिसको प्यार होता है वो धीरे धीरे रुक जाता है। तो इसी के बेसिस पे तुम क्या डिटरमाइन कर पाते थे? तुम्हारा उसको डिटरमाइन कर पाते थे, एलिमेंट को डिटरमाइन कर पाते थे, उसके कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाल है, लेकिन थोड़ा ये एडवांस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल फेज होता है, अगर एक बार तुमको एलिमेंट पता चल गया तो उसके बाद मोबाइल फेज रहेगा तो वो तो हैम्पर करेगा ना, तो उसको ये पता करने के लिए कि कितना मौजूद है तुम्हारा एलिमेंट, तो इसको डी गैस कर दिया जाता है, एयर बबल का फॉर्मेशन करके इसको डी गैस कर दिया जाता है ताकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चले मोबाइल फेज का, नहीं क्या इंस्ट्रूमेंट में जो एलिमेंट है उसका, मोबाइल फेज में, ठीक है। अब बात आता है, इसको जानने से पहले तुमको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या है। वो बोलता है द प्लेसमेंट इंजेक्शन ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सैंपल इनटू ए ट्यूब पैक्ड विद पोरस पार्टिकल्स वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सैंपल्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द पैक्ड ट्यूब बाय ए लिक्विड मूव्ड बाय द ग्रेविटी। इसमें कुछ नहीं है, सेपरेशन टेक्निक्स है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में,
ठीक है, वही वो समझा रहा है कैसे कैसे करोगे। इंजेक्ट होता है, इंजेक्शन में लिया जाता है, एक पर्टिकुलर इंजेक्शन होता है जो ऐसे जाता है, पच करके सैंपल में घुसता है और फिर बाहर निकल के फिर वो प्रोसेस करता है, ठीक है, यही वो बता रहा है। अब इसमें कंपोनेंट्स कुछ है नहीं कहानी, कि मतलब एक कॉलम से जाएगा, दूसरे कॉलम में घुसेगा, दूसरे कॉलम में जाके वो वेरियस वेरियस फिजिकल इंट्रैक्शन करेगा, उसके बाद मूव करके निकल जाएगा। अब बात आता है कि जैसे कि एक सैंपल को मैंने लोड कर दिया और लोड करके मैं मोबाइल फेज में उसको छोड़ दिया हूं, तो जो मोबाइल फेज ट्रैवल करेगा वो अलग अलग स्टेशनरी फेज से जाएगा। अब स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है? रेजिन हो सकता है। अभी रेजिन ही वो एक सरफेस है जिसपे क्या होता है, ये मोबाइल फेज ना बह रहा होता है। ये रेजिन के पास क्या होती है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। किसको? अब जिसको ये प्यार करता है, जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करके पहले ही रख लेगा, फिर धीरे 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 उसकी एफिनिटी के हिसाब से वो छोड़ता है। तो स्टेशनरी फेज इसमें रेजिन्स होते हैं जिनके हिसाब से वो छोड़ते हैं, ठीक है, तो यही उसकी कहानी है। अब सेपरेटेड कंपोनेंट्स फिर एग्जिट हो जाता है कॉलम से और हमको पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके से मौजूद था, इतने मौजूद थे, करेक्ट। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या हो रहा है। पहले तो सिंपली तुम्हारा कॉलम होगा, प्लेन कॉलम, उसमें तुमने सैंपल लोड कर दिया, ठीक है, सॉल्वेंट भी ऐड कर दिया, अब वो अलग अलग कलर में तुम्हारा आ गया। अब इसमें जो कि रेड है, ये तुम्हारा स्टेशनरी फेज को प्यार नहीं करता, ये मोबाइल फेज को प्यार करता है, तो ये पहले ही निकल गया। फिर क्या हुआ, ग्रीन थोड़ा और प्यार करता है, दोनों को प्यार करता है, तो थोड़ा बीच बीच में निकला। ब्लू क्या है, वो स्टेशनरी फेज को ज्यादा प्यार करता है, इसलिए स्टेशनरी फेज पे ही रुका हुआ है, अभी तक बाहर नहीं निकला, एग्जिट आउट नहीं हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ना अलग अलग एलिमेंट जब निकल रहे हैं तो अपना अपना कंसंट्रेशन देते हुए जा रहे हैं, यही चीज हो रहा है इसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। तो एचपीएलसी में क्या है, जैसे कि बोला कि एक स्मॉल वॉल्यूम को तुम इंजेक्ट करोगे, ठीक है, जिसमें कि इंडिविजुअल कंपोनेंट जो सैंपल के हैं वो धीरे धीरे मूव कर जाते हैं विथ ए लिक्विड फोर्स थ्रू कॉलम बाई हाई प्रेशर डिलीवर्ड बाई ए पंप, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई कॉलम पैकिंग, कॉलम पैकिंग दैट इन्वॉल्व वेरियस केमिकल और फिजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स एंड द पैकेजिंग पार्टिकल्स, पैकेजिंग पार्टिकल्स और वॉल्यूम से ये रिएक्ट करवाता है, ठीक है। दीज सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर डिटेक्टेड एट द एग्जिट ऑफ द ट्यूब, कॉलम के एग्जिट में होता है, फ्लो थ्रू द डिवाइस डिटेक्टर दैट मेजर्स देयर अमाउंट, और फिर एक आउटपुट बनाया जाता है लिक्विड क्रोमेटोग्राम में, ठीक है, एक डायग्राम बना के तुम फिर इसको दिखा देते हो कि नहीं ये मौजूद था यहाँ पे, इस तरीके से मौजूद था, बस सिंपली, इसमें कुछ बड़ी कहानी नहीं है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या प्रोसेस है, जैसे कि तुमने पहले सॉल्वेंट वन लाया, फिर सॉल्वेंट टू लाया, दो सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करके डी गैसर में डाला है, डी गैस किया, उसके अंदर कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, डी गैस कर दिया, फिर क्या क्या, मिक्सिंग वेसल, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर हाई प्रेशर में तुमने इसको छोड़ा, करेक्ट। अब डी गैसर मतलब क्या है, सॉल्वेंट जैसे ही आएगा, डी गैसर मतलब उसमें से हवा निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, हवा जो ऊपर के सरफेस पे होगा उसको निकाल दे रहे हो। अब ये हाई पंप में घुस गया प्री कॉलम में, पहले कॉलम में घुस गया, फिर क्या होता है, यहाँ पे फ्लो स्प्लिट कर जाता है, वही स्टेशनरी एंड मोबाइल फ्लेज की बात चल रही है, यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सैंपल का इंजेक्शन पोर्ट, यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट हो रहा है, सैंपल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, सैंपल यहाँ से आया। अब ये जो सॉल्वेंट वन एंड सॉल्वेंट टू है, ये तुम्हारा मोबाइल फेज है, ये जो आ रहा है ना, ये सॉल्वेंट वन सॉल्वेंट टू, ये मोबाइल है, मोबाइल फेज ही है जिसके ऊपर सैंपल लोड होते हुए जाएगा। तो यहां से तुम्हारा मोबाइल फेज आया और यहां से तुमने सैंपल को इंजेक्ट किया, दोनों जाके क्या होगा, डिफरेंशिएटर डिटेक्ट में जाके अलग हो जाएगा, तो अलग होके वेस्ट के रूप में जो बचता है वो कलेक्ट हो जाता है, बाकी यहीं पर डिफरेंशियल डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, और कुछ नहीं है इसके कारण, सिंपली। तो ये तुम देख सकते हो, दिस इज एचपीएलसी। यहाँ पे देखो ये जो है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारा जो नली है, इस नली से सैंपल कलेक्ट होगा, इसके अंदर जाएगा, यहाँ से तुम सॉल्वेंट वगैरह छोड़ोगे, ठीक है, अंदर मशीन में जाएगा, वहां पे डिटेक्ट होगा, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये पुराना वाला है, पुराना वाला तुम्हारा एचपीएलसी का डायग्राम है, तुम देख सकते हो, करेक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरेफ, एक्सआरएफ मेथड, ठीक है, और सेम ईडीएस,
ठीक है, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। अभी कितना समय हो रहा है देखते हैं, मच टाइम नहीं है, ठीक है अभी तो समय है। तो जैसे कि हम XRF के बारे में पढ़ते हैं, एक्सलेप फ्लोरोसेंस, सबसे जरूरी चीज। तो XRF मेथड क्या है, तो पूछेगा व्हाट इज XRF मेथड। XRF मेथड डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट आर कॉमन टू सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल मेथड को कॉमन है। इन्वॉल्विंग इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बीम्स एंड एक्सरेज विथ सैंपल्स इंक्लूडिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि सेम ईडीएस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, वेवलेंथ डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, WDS, ये सब होता है XRF में। ठीक है, XRF नाम से ही सुन लो कि इसमें एक्सरे यूज होगा ही होगा, एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनमें से एक वेव जो होता है बैंड, वो एक्सरे होता है। ठीक है, उसी एक्सरे को यहाँ पे यूज किया जा रहा है और इसमें कुछ कहानी नहीं है। ठीक है, अब इसमें कैसे एनालिसिस होता है, देखो इसमें द एनालिसिस ऑफ मेजर एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन जियोलॉजिकल मटेरियल बाई एक्सरे फ्लोरोसेंस इज मेड पॉसिबल बाई द बिहेवियर ऑफ एटम वेन दे इंटरेक्ट विद द रेडिएशन। अब देखो इसमें ना सॉलिड, इसमें ना तुम सीधा ही सॉलिड मटेरियल के अंदर तुम एनालिसिस कर रहे हो, लिक्विड विक्विड नहीं रहा। अब एक्सरे जो तुम्हारा सेम टेम, जो सीधा सॉलिड देख रहे हो। व्हेन द मटेरियल्स आर एक्साइटेड विद हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस एक्सरे, दे कैन बिकम आयोनाइज, इनको आयोनाइज किया जा सकता है। इफ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज सफिशियंट टू डिसलॉज ए टाइट हेल्ड इनर इलेक्ट्रॉन द एटम्स बिकम अनस्टेबल एंड एन आउटर इलेक्ट्रॉन रिप्लेस द मिसिंग इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है कौन, रिएक्शन जब इस पे डालते हो एक्सरे तो ये अनस्टेबल हो जाता है कौन, जो तुम्हारा सैंपल है। और उसी से हम पता कर पाते हैं कि नहीं, वो जो रिएक्शन जो अनस्टेबल हुआ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उससे हम उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर एलिमेंट को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरे फ्लोरोसेंस में क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रूटीन रिलेटिवली नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग समझो, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, जितना एलिमेंट दिए हो उतना एलिमेंट सुरक्षित है, वो वापस से दिखता रहता है, इसमें कुछ नया कहानी नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कि रॉक्स, मिनरल्स, सेडिमेंट्स और फ्लूइड्स वगैरह एनालिसिस होता है। इट वर्क्स ऑन द वेवलेंथ डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल दैट आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब। ठीक है, हाउएवर XRF कैन नॉट जनरली मेक एनालाइज एट ए स्मॉल स्पॉट साइज टिपिकली MPa वर्क, सो इट टिपिकली यूजेस फॉर बल्क एनालिसिस ऑफ द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल। छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते, बड़े मटेरियल ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, लो कॉस्ट सैंपल प्रिपरेशन। इसमें सैंपल प्रिपरेशन की क्या ही जरूरत है, सीधा सॉलिड लाया, साफ सुथरा किया, गंदगी निकाला, उसको ग्लास प्लेट पे रखा और देखना शुरू कर दिया। तो इसमें ज्यादा सैंपल प्रिपरेशन का लोड जो है ना हैवी नहीं रहता है, आराम से तुम इसको पता कर पाते हो। ठीक है, तो यही वो दिखा रहा है कि पहले इंसिडेंट रेडिएशन मारा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर गया, एक्साइट होकर दूसरे स्टेट पे पहुंच गया, दूसरे स्टेट से फिर बाहर निकल के चला जाएगा। इससे क्या होगा, कुछ रेडिएशन वेव्स निकलेंगे। ठीक है, एक्सरे एमिट होते हैं और इन्हीं एक्सरे एमिटेड जो एनर्जी है उससे हम उसके सिग्नेचर को पहचान पाते हैं कि हाँ ये जो एटम है इसका ये सेल जो है वो बाहर निकला है, इसके वजह से ये एलिमेंट वहां पे मौजूद है। ठीक है, ये मेटल वहां पे मौजूद है, यही चीज इसमें क्या होता है, XRF, XRF की कहानी इसमें यही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम टेम ये सब वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम टेम की प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, क्योंकि होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक के कुछ पोर्शन उसमें हम कवर अप करेंगे। यूट्यूब क्लासेस में पेस्टिसाइड्स पढ़ा चुका हूँ जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक है, हैवी मेटल्स के कुछ कुछ चीजें पढ़ा चुका है, हैवी मेटल्स का कुछ पोर्शन बाकी है तो उसको रिवाइज आउट करेंगे। कोएगुलेशन, फॉकुलेशन, COD, ठीक है, BOD के कुछ क्वेश्चन बनाने थे, ये लास्ट क्लास में होगा। ठीक है, इसको जो बचा कुचा टॉपिक है वो सब लास्ट क्लास में कर देंगे, उसको कवर अप कर देंगे, तो यूनिट टू भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब यूनिट वन एंड यूनिट टू दोनों खत्म हो रहे हैं तो फिर उसके भी क्वेश्चन आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रोसेसेस फिर यूनिट टू के करेंगे हम लोग, तो यूनिट टू में हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे उसके क्या क्या क्वेश्चंस बनने हैं। ओके, तो यूनिट टू के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना।
क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो क्वेश्चंस तो टिपिकली तुमको डीप नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से ही पूछता है क्वेश्चंस, ज्यादा डीप नहीं पूछता है, पर स्टील वो बेसिक्स पूछता है। बेसिक्स हिला हुआ होगा तो नहीं बना पाओगे। पहले बेसिक्स समझाऊंगा क्वेश्चंस के, तो काफी हद तक बेसिक्स ही पूछता है। वैसे इसी टॉपिक में ना प्लूम बिहेवियर भी ऐड कर दिया है, तो प्लूम बिहेवियर भी पढ़ाना पड़ेगा, जो कि पॉल्यूशन का चैप्टर है। ऑल्दो दैट इज पॉल्यूशन, उसको भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि प्लूम बिहेवियर इसी में एडेड है, इसके कुछ टॉपिक्स में जुड़े हुए हैं। लैफरेड पढ़ लिए हो तो प्लूम बिहेवियर एनर्जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो डबल बेनिफिट रहता है। करेक्ट। खैर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो गुड नाइट सभी को।
काम कर रहा है ना, अपने एक्सेसिव काम कर रहा है। मैं होगा तो थोड़ा प्रॉपर मेडिकल ले, प्रॉपर कैजुअल ले, सब मारता हूँ। तो वेस्ट ही नहीं करने देता हूँ, तो पूरे साल का लीव मैंने सही रखा हुआ है। हर महीने 10 दिन की छुट्टी, 10 दिन 5 दिन। छुट्टी है अगर मैं 6 महीने का मान के चलो, 6 महीने का ऐसे तो नॉर्मल छुट्टी 1 महीने का हो ही रहा है, तो 11 महीने के लोग ड्यूटी करते हो। 11 महीने का अगर मैं मान लूँ कि 5 महीने की तुम छुट्टी ले रहे हो, 5 महीने 30 दिन की छुट्टी तुम्हें मिल रही है, 4-4 दिन की छुट्टी लो, वो भी 7 महीने कवर हो रहे हैं। 3 महीने तुम कंटिन्यूस वर्क करो, 7 महीने में 3-3 दिन की छुट्टी हो। गलत किया, ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे छुट्टी करो हर महीने। तीन दिन की छुट्टी ना ले टीचर, वो दे टीचर ना बना के दो दिन चाहिए।
नहीं नहीं ये लगवा तो जाओगे तभी ना लगवाएगा। अरे नंबर तो है, नंबर तो है, अरे वाह यार बाकी पैसे वैसे छोड़ दो। मैं तो जाने तो दूर, मेरे को मेरे कमरे में मेरे को पहुंचने के दूर, मॉर्निंग के कमरे में मैं मॉर्निंग में इसलिए तो इंतजार करते हैं। अगर वकील लगा कर सर्च करेंगे तो मुश्किल है, पढ़ने को मुश्किल बेडरूम में थोड़ी दिखेगा, बेडरूम में थोड़ी पूरे तरह से लगा है। अरे नहीं कौन बैठे हैं हमारे यहाँ से, वो बिल के लिए बैठा है तो लाभ करता है। मेरा टीचर नहीं लाया तो मेरा टीचर बोला है एक महीने से ऊपर होगा, आज का टीचर भी नहीं बुलाया।